ठीक है, एडिट मेनू में आते हैं, ठीक है, यहां पे अंडू पता है आपको, एक बार आप सिर्फ एक बार कंट्रोल जेड का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने ये बनाया, ये बनाया, दो स्टेप काम कर लिया, तीन स्टेप काम कर लिया, ठीक है। अब अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं तो सिर्फ एक वन टाइम ही आपका ये कंट्रोल जेड यूज होगा, कंट्रोल जेड यूज ही नहीं होगा, नहीं होता है ना, अच्छा एक मिनट इसको मूव कराते हैं, अब देखते हैं, अंडू मूव, एक बार ये कंट्रोल जेड यूज होगा, आगे से पीछे और पीछे से आगे, ठीक है, वन टाइम, ओके। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट, ये तीन चीजें मालूम है आपको, क्लियर yes, मालूम है, सेलेक्ट yes, ऑल पता है, सेलेक्ट ऑल और डी सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का जस्ट उल्टा, डी सेलेक्ट ऑल, ओके, सेलेक्ट ऑल से सारे सेलेक्ट, डी सेलेक्ट ऑल से सब अनसेलेक्ट। इसके बाद आप देखिए पेस्ट मल्टीपल, ये पता है आपको, पेस्ट मल्टीपल काफी काम किए आप लोग इस पे, ठीक है। अब यहां पे दो बातें हैं, एक है पेस्ट स्पेशल और एक है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों काम हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। अब क्या है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल का क्या मतलब हुआ कि आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में जा करके किसी चीज को यहां ला सकते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट से भी वही काम होता है। चलिए दोनों करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है। आते हैं हम लोग एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड चुके हम लोग कर चुके हैं, एमएस वर्ड में आ गए, इंसर्ट में आते हैं और यहां से हम लेते हैं क्लिप आर्ट, ठीक है। हमने कहा ओके, तो ये राउंड शेड में आ गया। सपोज करिए कि हमको एक ऐसा कुछ बनाना है, ठीक ना, ठीक है, चलेगा। अब हमने इसको किया कॉपी, क्या किया कॉपी, ठीक, और क्लोज कर देते हैं, ठीक है, देखते हैं यहां आ गया एडिट में और हमने कहा अब ये पेस्ट स्पेशल क्लोज हो गया, सॉरी इसको क्लोज नहीं करना था अभी, अभी रखना था जब तक कि यहां पे पेस्ट स्पेशल ना हो जाए, ओके कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा कॉपी और आगे पेज मेकर में और यहां पे हम कहते हैं पेस्ट स्पेशल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको किस किस तरह का ऑब्जेक्ट लाना है, तो हमको लाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्ड से ही लाना है ना, तो हमने वर्ड सेलेक्ट किया। अगर हमको पेंट से लाना होता तो बिटमैप, अलग अलग एक्सटेंशन है, उसको देख के यूज करना है, हमने कहा ये और ओके किया। तो अब आप देखिए ये आ गया वही चीज, अब हम यहां पे ले आए, मेरा काम हो गया, अब इस एमएस वर्ड का काम खत्म, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं, आ गया, तो यहां इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, अब आ गया ना पेज मेकर में, नो कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें हमको कुछ चीजें चेंजेस करने हो, ये राउंड शेड को थोड़ा सा और राउंड करना हो या इसके ऊपर और कुछ चेंजेस करने हो, तो सीधा हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम कहां पहुंच जाएंगे, एमएस वर्ड में, जहां से हम इसको लेके आए थे, क्लियर हो गया, क्योंकि चेंजेस भी यहीं पे होगा। अब हम इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं कि इसका जो स्टाइल हो वो कुछ आ...
उस टाइप का हो, सपोज करिए कि हम इसका स्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो वापस वहां पे अपडेट हो गया, हो गया नहीं हो गया, हो गया, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट हमने लाया था, हम इसमें लगाए थे और हम भूल गए कि ये कहां से लेके आए थे। अब ये जानकारी लेने के लिए हमको इस पर डबल क्लिक करना होगा, फिर ये वहां जाके ओपन होगा, तब पता चलेगा। तो इससे बेटर है कि हम यहां आते हैं और यहां पे आते हैं और लिंक मैनेजर पे, और यहां पे आपको दिख जाएगा कि ये चीज कहां से लाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट से, ठीक है। इन्फो करोगे आप, ये चूंकि सेव नहीं किया गया है तो ये सेव जहां होगा वहां पे आपको लेके चला जाएगा, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये हुआ हमारा पेस्ट स्पेशल, ठीक। पेस्ट स्पेशल में हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट बनाना था, हमको लाना था यहां पे, तो हमने पहले एमएस वर्ड को ओपन किया, वहां पे बनाया, कॉपी किया और यहां आके पेस्ट स्पेशल किया, क्लियर। अब यही काम हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट से करना चाहते हैं, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गए। अब हमको पता है कि हमको कहां से ऑब्जेक्ट लाना है, एमएस वर्ड से लाना है, तो हम यहां पे एमएस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ओके किया। तो जैसे ही हमने ओके किया, एमएस वर्ड ओपन हो गया, हो गया। इसके बाद इंसर्ट में चले गए, वही काम करते हैं, सेम काम, और क्लोज कर देते हैं। आ गया, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों सेम काम किया। दोनों में डिफरेंस यह हुआ कि इसके लिए आपको पहले प्रोग्राम ओपन करना पड़ा, फिर वहां बनाया आपने, फिर आपने कॉपी किया और यहां आके पेस्ट स्पेशल किया, ठीक है। उस बीच में आपका वो प्रोग्राम ओपन रहना चाहिए, अगर आपने क्लोज कर दिया तो पेस्ट स्पेशल नहीं होगा, जो भी आपको हम दिखाए थे पहले, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि हमको पता था कि हमको किस प्रोग्राम में जाना है, तो सीधा हम उस प्रोग्राम पे क्लिक किए, वो प्रोग्राम ओपन हुआ, हमने वहां बनाया, उसको क्लोज किया और सीधा वो ऑब्जेक्ट हमारे पेज पर आ गया। तो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा छोटा प्रोसेस है, बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको कहां से ऑब्जेक्ट को लाना है, क्लियर है, समझ में आ गई बात या कोई दिक्कत है। अच्छा, लिंक में हम आते हैं एक बार फिर से, लिंक मैनेजर, तो ये भी आपको बताएगा कि आपने कहां से लाया है, ठीक है, ओके। यहां तो कोई इशू नहीं। अब एक काम करते हैं, हम पेंट प्रोग्राम में जाते हैं, यहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फाइल को सेव करते हैं, वन के नाम से, और सेव कर दिया, ठीक है। अब हम आते हैं पेज मेकर में, यहां पे हम प्लेस करते हैं डेस्कटॉप पे, वन के नाम से बना हुआ एक फाइल है, आ गई फाइल, आ गई नहीं आ गई, आ गई, ओके। लिंक मैनेजर में जाते हैं, अब आप यहां पे देखिएगा कि दो तीन ऑप्शंस ऑन होने लगे, एक आपका इन्फो आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है और एक आ रहा है अनलिंक, ठीक है। अब अगर हम ऑप्शन में जाते हैं, एक काम करते हैं पहले, अब हम इस वाले फाइल को फिर से ओपन करते हैं, पेंट वाला प्रोग्राम में जो हमने बनाया था, और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं, ठीक है,
सेव कर दिया, क्लियर आ गया। अब आप देखिए पेज मेकर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, नहीं ना, जैसा था वैसे ही रह गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, लिंक मैनेजर में जाते हैं, ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक नया ऑप्शन आपका ऑन हो गया होगा, अपडेट, देख रहे हैं आप, ठीक है। अगर हम यहां पे अपडेट पे क्लिक कर देते हैं तो ये कलर आ गया वापस, यानी कि जो पिक्चर हमारा वहां अपडेट हुआ यहां पर भी हमने अपडेट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि अपडेट हम बार बार ना करें, ठीक है, तो हम ऑप्शन में जाएंगे और यहां पे कह देंगे अपडेट ऑटोमेटिकली, ठीक है, अलर्ट बिफोर अपडेटिंग, मैंने पहले अलर्ट करो उसके बाद अपडेट करो। हम बोलते हैं कि नहीं, आप डायरेक्ट अपडेट कर दो, ओके करते हैं, समझ में आया था, क्लोज कर दिया और फिर से हम पेंट प्रोग्राम में जाते हैं और यहां पे हम इस पिक्चर को, पिक्चर का कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया। देखते हैं कि क्या इसने ऑटोमेटिक अपडेट किया, नहीं किया, ओके, क्यों नहीं किया, ये तो हमने किया था ना, सॉरी, लिंक मैनेजर, अब यहां पे कह रहा है अपडेट और अपडेट ऑल, हमने तो यहां पे कहा था कि अपडेट बिफोर अलर्ट, ओके, इसको भी करके देखते हैं, ओके करते हैं, नहीं, इसने किया नहीं है अपडेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको, लेकिन ये होना चाहिए था, बहरहाल अपडेट ऑल कर देते हैं तो ये अपडेट हो गया, है कि नहीं। फिर से एक काम करते हैं, फिर से एक बार हम इसको चेंज करके देखते हैं। अब ये करा क्या रहे हैं, अभी आपको थोड़ी देर में समझाएंगे। इसका कलर हमने इस बार ब्राउन कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया, देखते हैं अब क्या हुआ, नहीं, अभी भी ये इसने अपडेट नहीं किया है, तो हमको फिर से एक बार जा करके लिंक मैनेजर में अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये चेंज हो गया। अनलिंक से क्या होगा, इसका लिंक जो अभी बना हुआ है अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिक, या आप सिर्फ सिंगल एक क्लिक कर रहे हो और ये अपडेट हो जा रहा है, तो अनलिंक से इसका लिंक अब टूट जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए कि हमने किया क्या, मान लीजिए ये पिक्चर है, ठीक है, आप एक बुक बना रहे हो, उस बुक में एक जगह आपने एक पिक्चर को सेट कर दिया है, ठीक, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि नहीं, इसमें कुछ चीजें चेंज करो, लेकिन ये पिक्चर आपने दूसरी जगह से लाया, चीजों को चेंज करो, तो जिस प्रोग्राम में आपने बनाया वहां पे आपने पिक्चर के अंदर कुछ चीजें चेंज कर दी, और ये ओरिजिनल यहां पड़ा हुआ है, आपने उसको सेव कर दिया और यहां सिंपल आके आपने अपडेट किया, पिक्चर आपकी अपडेट हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो ये काम हमारा कहां से हो रहा था, लिंक मैनेजर से, तो लिंक मैनेजर का बहुत यूज है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको मिल गई, एक आपको इन्फो मिल गया कि कहां से पिक्चर लाया गया है, सेव कहां पे हुआ है, देखिए डेस्कटॉप पे आपको ले गया, ठीक है। दूसरा है ऑप्शंस, ऑप्शंस में आपको दो तीन चीजें मिलेंगी, अपडेट ऑटोमेटिकली और अलर्ट, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहां पे अपडेट और अपडेट ऑल दो ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से आप पिक्चर को अपडेट करा सकते हो, क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं ना। अच्छा, यहां पे देखिए आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट और पेस्ट स्पेशल में फर्क समझ में आ गया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम प्रोग्राम को सेलेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम ओपन हो रहा है, वहां पे हम चीजों को बना रहे हैं और प्रोग्राम को क्लोज करते ही वो चीज हमारे पेज मेकर में आ जा रही है। पेस्ट स्पेशल में क्या हो रहा है कि पहले हम प्रोग्राम को ओपन करा रहे हैं बाहर से, फिर वहां पे कुछ बना रहे हैं, उसके बाद हम उसको कॉपी कर रहे हैं और यहां आकर के पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं, तब वो चीज आ रही है, और उस बीच में आपका वो प्रोग्राम जिससे आप ला रहे हो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हो गई, ओके। इसके बाद है एडिट स्टोरी। अब एडिट स्टोरी क्या है, अच्छा एक चीज और देखिए, यहां पे एक और ऑप्शन आपको मिलेगा, एडिट ओरिजिनल। ओरिजिनल आपका ये चीज कैसा है, अब इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, देखिए इसमें तो पिक्चर था ना इसलिए ओरिजिनल दिखाई दिया, लेकिन इसमें आपको देखिए एडिट और ओपन। अभी हम इसको एडिट करने के लिए एमएस वर्ड में चले जाएंगे, या तो क्लिक करके भी जा सकते हो, आप डबल क्लिक करोगे वापस पहुंच जाओगे, या फिर
ओपन करो, तो भी आप वहां पहुंच गए, ठीक है। या फिर आप इस पर डबल क्लिक करो, तो भी आप वहां पहुंच गए, ठीक है। अब एक चीज है हमारा एडिट स्टोरी। एडिट स्टोरी में क्या होता है कि जैसे अब हमको टाइप करना है, एक स्टोरी लिखनी है, तो लिखने के लिए आपका हैंगर कितना बड़ा रखोगे? इतना बड़ा मैक्सिमम, इतना बड़ा मैक्सिमम। आप चले जाओ एडिट स्टोरी में, ठीक है, तो अब आपका पेज बड़ा हो गया। अब आप यहां पे टाइप करते जाओ जो भी आपको लिखना है, स्टोरी लिखनी है, उसको क्लोज कर देते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। आप टाइप करते जाओ और जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे, ध्यान दो, जैसे आप इसको क्लोज करोगे तो आपसे बोलेगा प्लेस और डिस्कार्ड। डिस्कार्ड करोगे तो ये खत्म, और प्लेस करोगे तो ये आपके पेज पर आ जाएगा। जितना काम किया था हैंगर बन के आ गया। तो जब लंबा टाइपिंग वर्क करना होता है तो हम लोग ऐसे हैंगर बना के नहीं करते, इसको एडिट स्टोरी में ही करते हैं। जैसे बुक वगैरह, आर्टिकल लिखना है, न्यूज बनाना है, तो वो सारे काम हम लोग एडिट स्टोरी में करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? सारी बातें समझ में आ गई? इसमें आपको पेस्ट मल्टीपल ये अच्छे से पता है ना? Yes. इसको आपको खुद से चेक करना है। ओके? Yes. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट यहां तक? एक बार फिर से देख लेते हैं। अंडू, कट कॉपी पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, डीसेलेक्ट ऑल, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, एडिट स्टोरी और एडिट ओरिजिनल। हो जाएगा यहां तक?